श्वेता जैसे मैं बात करूँ उसके लिए तुमने किसी साथ थप्पड़ मार दिया मेरे को। यार नॉर्मल था तुम यार बुरा लगा इसलिए मैं आया हूँ ठीक है, वरना मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आऊँ या नहीं आऊँ ठीक है, तेरे को भाई मानता हूँ इसलिए आया हूँ मैं। हाँ पहले मारो फिर उसको भाई मारा तो फिर तूने भी ले, तू मेरे घर पे बैठा ना इसलिए तू ऐसे बात कर पा रहा है मेरे से। भाई मैं ऐसा हूँ वैसे बट हाँ घर वाले अभी तू मेरे घर के अंदर, अब घर के अंदर बंदे को होना कुछ बोलूंगा तो मैं शांति हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा टेंशन ना। मैं एक बंदा पागल है दूसरे बंदे को पागल नहीं बनना, दूसरा बंदा समझदार बने ठीक है। अभी ना थोड़ी रात हो गई थोड़ा बाहर जा रहा था वो शेड्स पहने हुए तो लोग बोलेंगे भाई क्या पागल हो गया रात को शेड्स पहन के घूम रहा है, बट क्या करे उनको ये नहीं ना पता कि ये हुआ हुआ, ये तो मेरी यूट्यूब फैमिली और इंस्टा फैमिली को ही पता है कि ये चीज़ हुई हुई है। बस पेन वगैरह हो रही थी तो मेरे को एक तो मेडिसिन वगैरह लेनी है, एक और पेन किलर लेनी है और साथ में थोड़ा काम था तो मैंने कहा वो करवाते हैं जाके। सो शेड्स पहनना इसलिए ज़रूरी थे कि डस्ट वगैरह ना चल जाए। ये कुछ है अपना जो हमारा जख्म है कुछ ये है भाई, सो हल्का सा थोड़ी सी स्वेल हो चुकी है, ऐसे कर रहे हो बाकी सब सेट है यार। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई साहब आप सबके सामने हूँ मैं, बस जो आइस है ना ये आइस में हल्की सी थोड़ी ज़्यादा पेन है, स्वेल हो चुके हैं हल्के हल्के, चेक करो हल्के हल्के स्वेल हो चुके हैं। बाकी यहाँ वाली ड्रेसिंग मैंने ओपन किया और ये यहाँ पे ना थोड़ी ज़्यादा डीप कट है तो यहाँ पे वापस जा रहा हूँ भाई ड्रेसिंग करवाएँ, और एक काम था मेरे को बैंक में सुबह, तो भाई मेरे विदाउट साइंस वगैरह नहीं होगा सो वहीं चलते हैं और जाके आराम से जो शाम काम वगैरह डन करते हैं और वापस घर आ जाते हैं, बिकॉज बाहर निकलने आज मेरा कोई मूड नहीं है और ना ही मेरे को कोई लड़ाई लड़ाई करने का मन है। कमेंट्स में सारे मेरे को बोल रहे हैं भैया उसको मारो ये करो वो करो, नहीं भाई अगर एक बंदा पागल है दूसरे बंदे को पागल नहीं बनना, दूसरा बंदा समझदार बने ठीक है। अगर वो कोई दुश्मन होता ना फिर बताते, बट वो तो अपना भाई है यार, उससे रिवेंज लेके कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर भी यार मेरी तरफ तो उसको फुल सपोर्ट है भाई, फुल प्यार है, वो जितनी भी बकचोदी करता रहे जितने भी गलतियाँ करते रहे भाई हम उसको सुधार लेंगे। बट हाँ अगर वो दुश्मन होता है कुछ और होता ना फिर हम उसको बताते हैं रिवेंज कैसे लेते हैं, बट भाई इससे कोई रिवेंज नहीं है, ये भाई है अपना ठीक है। तो चिल करो यार आप सब, बाकी उसको बस कमेंट्स में जाके बताओ कि भाई तूने गलत किया, उसको सिर्फ इतना बोलो कि भाई सुधर जा थोड़ा मतलब ठीक है, बाकी प्यार हेट नहीं प्यार देना तुमको ठीक है। चलो अभी चलते हैं फटाफट बाइक को छोड़ो। One eternity later. वीडियो तो भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ चीज़ों के बारे में। पहली बात तो जो भी राइडर्स वगैरह है जो भी है भाई हेलमेट्स जरूर वेयर करना, बिकॉज कल हेलमेट की वजह से मैं बचा हूँ, बट मेरी गलती क्या थी कि सिर्फ मेरा वाइजर ऐसे ओपन था, मेरा वाइजर ओपन होने के कारण जो शीशा है वो मेरे सीधा आंख में चला गया। अगर ये वाइजर बंद होता कल तो भाई कोई दिक्कत नहीं होती ठीक है, इतनी चीजें जो है इतना बढ़ती ना, बट ठीक है सक्षमी गलती है भाई सक्षमी गलती है, बट फिर भी मेरे को भी प्रिकॉशन रखनी चाहिए थी। जब मेरे को पता था कि वो बंदा ऐसी चीजें कर रहा है उसका दिमाग खराब हो चुका है तो मेरे को भाई वाइजर बंद कर लेना चाहिए था। आप देखना जब जैसे वो आया ना मैंने रिफ्लेक्स सेक्शन में से अपना हाथ ऊपर किया तो उस टाइम अगर मैं वाइजर बंद कर लेता तो भाई ये सारी इंजरीज वगैरह नहीं होती, आंख भी बहुत ज्यादा स्वेल हो चुकी है मेरे, यहाँ पे पेन भी बहुत ज्यादा है। बाकी भाई यहाँ पे ना एक डीप कट आया सो वो भी भाई वो हील होने में टाइम लेगा। बाकी मैं ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज यार पता है क्या है अब मेरे को उससे कोई बात नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, अब मेरी तरफ से भाई उसको भाई दी एंड। भाई लोग मेरे को कमेंट्स में बोल रहे हैं भाई सक्षम को मारो सक्षम को मारो, भाई सक्षम को मार के मुझे क्या मिलेगा मेरे को बताओ यार, वो अपनी भाई वो भी ठीक है यार अपने माँ बाप को बेटा है भाई, अगर मेरे को लगी है भाई मेरे घर वालों को इतना पेन हो रहा है तो अगर मैं उसको जानबूझ के उसको मारूंगा भाई ठीक है, उसको लगेगी तो भाई उसके घर वालों पे क्या बीतेगी ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के घर वाले या फिर कोई और बंदा परेशान हो, मैं भाई बहुत जब तक मेरे पे मेरे से बात सॉर्ट हो रही है तब तक मैं बात सॉर्ट कर लूँगा। हाँ जब चीज़ें जो है दी एंड लेवल चली जाएंगी ना जैसे अभी चली गई है तो ठीक है अभी फिर भी भाई है, बट अगर जब चीज़ें मेरे से हैंडल नहीं होंगी देन उसके बाद मैं जो है कोई एक्शन लूँगा या कुछ लूँगा, बट आज के बाद तो भाई मेरा कोई सीन नहीं है भाई ठीक है। अगर वो ठीक है आता है तो ठीक है, नहीं आता भाड़ में जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को भाई दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई हर्ट तो है कि भाई उस बंदे ने मेरे साथ ये चीज़ की है। सो अभी इसको भी हील होने में टाइम लगेगा, आइस को हील होने में टाइम लगेगा, आई डोंट नो कि अभी ये इतनी स्वेल हुई है इसके बाद और स्वेल होगी या नहीं होगी, आई होप कि ना ही स्वेल हो बिकॉज ना मेरे को आइज ऐसे ब्लिंक करने में भी थोड़ी पेन हो रही है बिकॉज ऊपर से स्वेल हो चुकी है पूरी। बाकी अब आप लोग मेरे को बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि यार मेरे को पता है क्या है मेरे को लड़ाइयाँ नहीं करनी मेरे को ठीक है, ये चीज़ मैंने लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा भाई, कुछ भी नहीं रखा लड़ाइयों में, एंड में सिर्फ आपके घर वाले परेशान होते हैं लड़ाइयाँ करके, मैं भाई देख चुका हूँ सारी चीज़ें ना इसलिए मेरे को पता है। वो भी नया नया बच्चा है, नया नया जवानी चढ़ी है उसको, नया नया ऐसे चीज़ें में है ना वो, इसलिए उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा कि ये वो फ्लांटिंग, बट नहीं भाई कुछ नहीं होता इससे,
इन दी एंड आपके घर वालों को ही जो है भाई वो दिक्कत होनी पड़ती है। सो कल भाई मैं थोड़ा रात को गया था तो स्पेक्स वगैरह पहन के गया था बिकॉज डस्ट वगैरह थी और कल जो है थोड़ा जख्म ओपन भी था, मैंने जाता था डस्ट वगैरह भी पड़े, तो भाई अभी तो मैंने जो है नॉर्मल स्पेक्स वगैरह नहीं लगाई हुई बिकॉज भाई यहाँ पे चेक करो मैंने अपना मेडिसिन वगैरह प्रॉपर लगाई हुई है यहाँ पे। तो डॉक्टर ने कहा था कि जब घर रहोगे तब आप इसको ओपन रख लेना कि कवर करने की जरूरत नहीं, बट जब बाहर जाओगे तो आप इसको कवर जरूर करना कि कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी जो है वो ना जाए जिससे बाद में आपको इन फ्यूचर इन्फेक्शन हो या कोई सीन हो। तो भाई वैसे डॉक्टर की बात सुन के इसको मैंने भाई अभी मेडिसिन वगैरह रखी हुई है और ये जो मेडिसिन लगी है उसने कहा है हर टाइम आपकी इसके जो है इंजरी के ऊपर होनी चाहिए जिससे कोई भी इन्फेक्शन वगैरह आपकी वो उसमें जो है इंजरी में ना जा पाए, जहाँ पे कट लगा वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो पाए। भाई एक उन्होंने बोला करने के लिए तो ये भी कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि जैसा मेरे से लाख गुना ज्यादा समझदार हो आप लोग, ठीक है, आप लोग मेरे को बताओगे मेरे को समझ आ जाएगी। कोई चीजें होंगी जो मुझे समझ नहीं आ रही होंगी तो आप लोग मेरे को वो चीज समझाओगे तो मुझे वो चीज समझ आ जाएगी। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे अपनी प्यार भरी राय, अपने जो भी सपोर्ट, अपना लव, अपनी प्रेज जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कर दो। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, आप लोगों के वहां से कमेंट्स पढ़ूंगा और उसी पे जो है आगे वर्क करके अगली जो भी सीन्स हैं इन फ्यूचर जो भी प्लान्स हैं तो उस पे करेंगे, बाकी आप लोगों के लिए राइड भी करेंगे। सो बस ये थोड़ा सा ये अभी आईज वाला थोड़ा सा वो हो जाए बिकॉज हेलमेट वगैरह नहीं वेयर कर सकता अभी बिकॉज वो ऐसे मतलब हेलमेट पहनने से पता होता है हमारी हेलमेट है एम साइज की तो हमने पूरी ऐसे पैक्ड होती है तो यहाँ से ना हिलती जैसे ये चीजें हिलती है ना हल्की हल्की तो यहाँ से जो कट है वो वापस एक्सपैंड हो जाएगा तो उससे ब्लीडिंग जो है और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि कल जब मैं वापस आ रहा था हेलमेट पहनी ब्लीडिंग रुक गई थी हल्की सी, मैंने वापस हेलमेट पहनी तो वापस से ब्लीड करने शुरू हो गया तो दैट्स वाई मैं अब हेलमेट वेयर नहीं कर सकता। शर्ट पन्ना वगैरह बांधा हुआ है, नॉर्मल पटका वगैरह बांधूंगा तो इनमें मैं जो है राइड नहीं कर सकता, लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकता, पन्ने में कर सकता हूँ बट पटके वगैरह में नहीं कर सकता। तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ जैसे ही आइज जो है हील हो जाएगी प्रॉपरली देन कोई एक अमेजिंग सी राइड करते हैं। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आप लोग सपोर्ट करो, बाकी कोई भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी भाई लेटेस्ट अपडेट्स होगी वो सारी इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, सामने नाम आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके फॉलो कर लो गाइज। और स्टे सेफ स्टे हेल्दी, जो भी हो किसी से नफरत मत करो, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, किसी को मारने का मत सोचो या फिर रिवेंज लेने का मत सोचो, वो भी अपने माँ बाप का बेटा है यार। रेस्ट आपका भाई एकदम फिट एंड फाइन है, बहुत जल्द रिकवरी हो जाएगी और बस इसका थोड़ा सा चक्कर है, ये डीप कट था ये और ये आईज वाला पक्के छोटे मोटे जो स्क्रैचेस है वो तो हील हो जाएंगे बट बस इसका और हेलमेट पर भी थोड़ी बहुत स्क्रैचेस आ गए चक्कर, जैसे कि ये हो गया ये एग्जॉर वाला और थोड़ा बहुत और पता नहीं बाकी मैंने चेक किया नहीं यार और क्या क्या हुआ है, बट फिर भी यार बहुत मेहनत से चीज़ें खरीदता हूँ। मेरा एग्जॉर एक ना सपना था कि जब भी लूँगा, मेरे को ना इसका ब्रांड नहीं पता था तो मेरे को पता था बस इसका एक्स साइन है तो मैं सोचता था भाई जब भी कुछ लूँगा ना हेलमेट वगैरह तो एक्स साइन वाली लूँगा। तो सारे शौक स्ट्रगल कर करके धीरे धीरे अपने पूरे कर रहा हूँ, बाकी यार आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग प्रेस करो कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं जल्दी जल्दी, बाकी फिर राइड्स करें और आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट दें, आप लोगों को जम्मू के बाहर का व्यू भी एक्सप्लोर करवाएं और इंडिया के बाहर का सीन भी एक्सप्लोर करवाएं। जिनको नहीं पता मैं पहले लास्ट टाइम एक बार नेपाल गया हूँ बट अब फिर नेपाल जाऊँगा। भाई कौन आया यहाँ पे, हेलो मेरा ठीक है यार अब देखना भाई इन चीजों के बाद तो भाई बनता नहीं यार ये देखो।
ये उसने वो लगवाई यार दवाई, उसने बोला कि मतलब इसके बिना नहीं रहना, इन्फेक्शन वगैरह होगी तो फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। ये यहाँ पे कट लगा, डीप कट था टैटू में। ठीक है चल देखते हैं आजकल क्या हो गया तुझे। अब भाई देख जिससे चीज छोड़ कर से बात किया करने यार, अब तो खुद बता मेरा मेरी क्या गलती इसमें। खुद आगे चीज़ें बोलता है, खुद वो करता है, ठीक है ना, मैंने कुछ बोला ना कुछ, फिर भी बता कल इसने किया नहीं किया कुछ। मैं आया इसके साथ कुछ बात की, मैं नॉर्मल था भाई कल भी। तो यार नॉर्मल था तुम? यार इसको बता मैं नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल था अभी घर पे बैठा तभी प्यार से भी तमीज से बात कर, ठीक है। मैं भी अभी घर पे बैठा प्यार से ही बात कर रहा हूँ तुझसे, तो यार ठीक है समझ ले। तू मेरे घर पे बैठा ना इसलिए तू ऐसे बात कर पा रहा है मेरे से भाई, मैं ऐसा हूँ वैसे, बट घर वाले भी दे रहे तभी मैं प्यार से तभी मैं बोल रहा हूँ। ये वो ना छोड़, और कल की जो बात ये बोल रहे ना कि मैं कल भी शांत था भाई, मैंने कल आके इसको कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। अभी भी तू देख ले मेरी वीडियो बंदी पड़ी है, मैं कुछ कैमरा ऑन नहीं कर रहा, ठीक है। मैं भी जैसे बात करने आया हूं कॉम्प्रोमाइज करने आया हूं, ठीक है। अब रो रहा तो फिर जिस बंदे से वो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं है, ठीक है बाबा। नहीं वो चीज कर रहा है, बात कर रहा है, मैं कुछ से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भाई ये चीज करेगा मुझे। तब कल मैं आया तेरे पास, मेरे को भी नहीं पता तुम मंदिर गया होता ऊपर, तू आया मैं सीधा तेरे पास आके हेलो बोला भाई, ये पीछे तो धक्का देके आ गया इससे कॉलर पकड़ रहा, फिर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि आऊं या नहीं आऊं, ठीक है। तेरे को भाई मानता हूं इसलिए आया हूं मैं, पहले मारो फिर उसको भाई मारा तो फिर तूने भी था गाड़ी तो रो क्यों रहा है भाई इतनी सी, क्या बात पे रो रहा है भाई? रोने की बात नहीं है, पता क्या तेरे जा कोई और होता ना तो मैं घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को तो किसी से, भाई ठीक है जिसको अपना माना है इसको अपना माना भाई। कॉम्प्रोमाइज तो तेरे से लड़ाई की नहीं करी मैं किसी से, भाई क्यों नहीं किया तूने? मैंने तो कभी माना ही नहीं, क्यों नहीं किया? मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। अच्छा कल भी फिर अगर तू भाई मानता तो कल क्यों आके मेरे पास आया? मैंने कहा तू क्या बोल रहा है, मैंने ऐसे पकड़ा अभी तो छोड़, अभी तू फिर वही हरकत कर रहा है। थप्पड़ जब थप्पड़ आता फिर बोनस भी आता, फिर बोनस भी आता, मेरे को बोनस अच्छे से निकालना था भी भाई। मैं भी कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे तो, चाहता क्या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को कुछ नहीं पता इस टाइम क्या आया क्या नहीं, क्योंकि भाई मेरे को भाई इस टाइम मैं अपना मेंटली बहुत ज्यादा वो डिप्रेस्ड हूं, बिकॉज बहुत चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, ठीक है। मैं नहीं अब ये चीजें टॉलरेट कर सकता ज्यादा यार, मैं तेरे को कुछ बोल खोल ही नहीं रहा हूं, मैं बात बोलने